हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रासायनिक माइंड। तो आज का टॉपिक आपको थंबनेल देखकर पता पड़ गया होगा कि क्या टॉपिक होने वाला है। तो टॉपिक होने वाला है मार्कोनी कॉप्स एंड एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल। तो क्या थे ये रूल्स, इनको हम समझेंगे। ये सभी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप यहाँ पर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो आप हमें मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मार्कोनी कॉप्स रूल। तो मार्कोनी कॉप्स रूल होता क्या है, ये रूल्स किसके लिए दिए गए थे, सबसे पहले तो यही जान लेते हैं। तो ये रूल्स दिए गए थे, सबसे पहले हमको क्या दिया गया होगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। क्या दिया गया होगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। इस पर मैं कोई पोलर क्रोटिक जो एसिड होगा उसका ट्रीटमेंट कराऊंगा या उसका एडिशन कराता हूँ। तो एडिशन कराऊंगा, ये क्या है मेरा पोलर प्रोटिक एसिड, ठीक है। तो पोलर प्रोटिक क्यों है, पोलर तो इसकी वजह से है क्योंकि यहाँ पोलरिटी डिफरेंस है, यहाँ ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव पार्ट होगा, क्योंकि एक्स क्या है, यहाँ हेलोजन है और एक्स मेरा क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है या आयोडीन, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो और प्रोटिक इसलिए क्योंकि ये प्रोटोन डोनेट करता है। तो यहाँ से क्या रिएक्शन होगी, हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए इसको हमें तुरंत की तुरंत बिल्कुल इजी लैंग्वेज में शॉर्ट ट्रिक के साथ समझ लेना है। तो देखिए अनसिमेट्रिकल एल्कीन मैं ले लूँ, ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गई, यहाँ CH3, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन। देखिए अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, दोनों तरफ एक जैसे ग्रुप नहीं है, ठीक है। इस पर मैं रिएक्शन कराता हूँ HX की। तो देखिए होगा क्या, यहाँ ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव पार्ट है, दो पार्ट हैं पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट उसके पोलर प्रोटिक एसिड के। तो देखिए होगा क्या, ये जो H है ना, ये H ऐसा होता है मार्कोनी कॉप्स में, इस H, ये H इन दोनों कार्बन में से एक, तो C1 बोल दूं इसको, इसको बोल दूं मैं C2, ठीक है। तो यहाँ कहाँ जुड़ेगा, इसकी बात आती है कि ये कहाँ जुड़ेगा। तो मैं इसको 1 नंबर बोल दूं, इसको 2 नंबर बोल दिया। तो देखिए H है, ये कौन है, ये है मेरा बैक बेंचर। कौन है, बैक बेंचर, ठीक है। बैक बेंचर कैसे होते हैं, बहुत ही अच्छे किस्म के इंसान होते हैं। तो ये क्या करेगा, ये अपने ग्रुप को छोड़ेगा नहीं, बिल्कुल क्या नहीं करेगा, अपने ग्रुप को नहीं छोड़ेगा। तो हाइड्रोजन का ग्रुप कहाँ बनेगा, जहाँ ऐसे ही लोग ज्यादा बैठे होंगे। तो देखिए ज्यादा लोग कहाँ बैठे हैं, यहाँ देखिए 1, 2 और यहाँ 1। तो देखिए H अपने ग्रुप में जाना पसंद करेगा, बैक बेंचर अपने ग्रुप में ही तो जाना पसंद करेगा, वो दूसरे ग्रुप में जाना क्यों पसंद करेगा, क्योंकि वहीं उसे अच्छा माहौल मिलेगा। तो H कहाँ अटैच होगा, जहां ये वाला उसका ग्रुप अटैच है। तो हमें बना देना इस एल्कीन पर, देखिए ये वाला H जुड़ गया, ये CH3 सेम पहले से, ये H अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ये H, ये H। तो अगर यहाँ पर ये वाला H लगाए तो दूसरे वाले कार्बन पर जो दूसरा X लगा हुआ होगा वो लग जाएगा। तो इस वाले पे मैं X लगा दूं। देखिए आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल, मतलब अब मैं बता दे रहा हूँ कि इन्होंने थ्योरी क्या दी थी मार्कोनी कॉप्स ने अपने रूल के अकॉर्डिंग। इन्होंने ये कहा था कि जो नेगेटिव पार्ट है, क्या है, नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां उस कार्बन पर जुड़ेगा, एल्कीन के उस कार्बन पर, विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये उन्होंने बोला था कि मेरे रूल के अकॉर्डिंग ये यहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की नंबर कम होगी। किसके लिए बोला था, नेगेटिव पार्ट की जगह, नेगेटिव एक्स की है तो वहीं जुड़ा है। देखिए हाइड्रोजन एक है वहीं एक्स जुड़ा है। तो आपको ट्रिक से ये समझ में आ गया होगा कि बैक बेंचर वहीं जाएगा जहां उसका ग्रुप होगा, ठीक है। तो आइए एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसका। तो मान लीजिए ये आपको दे रखा है एग्जाम्पल, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन दे रखी है, ये CH3, ये CH3 और एक ये CH3, यहाँ हाइड्रोजन दे रखा है। अगर मेरा HBr दे रखा है, क्या दे रखा है, HBr। तो देखिए मैंने क्या बताया, H क्या है, बैक बेंचर है ये। तो ये कहाँ जाएगा, जहां इसका ग्रुप होगा। देखिए इस कार्बन में तो हाइड्रोजन इस जैसा कोई है नहीं, अब यहां पर है इसका ग्रुप, तो ये कहाँ अटैच होगा, इस वाले ग्रुप पर। तो ये इस वाले ग्रुप पर हाइड्रोजन अटैच हो गया, ये वाला ग्रुप CH3, यहाँ ये H,
ये CH3 पहले से था, ये भी CH3 पहले से था। अब Br कहां अटैच होगा? Br यहां पॉजिटिव चार्ज बना हुआ होगा, इस पॉजिटिव चार्ज पर जो Br नेगेटिव था वो अटैक करेगा और क्या बना लेगा, ये CH3 सिंगल बॉन्ड C, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन C, CH3 CH3 और यहां मेरा Br जुड़ गया। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल हो गया, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। तो इसके लिए आपको मैं एक होमवर्क दे दे रहा हूं, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, इस पर मुझे HI की रिएक्शन करानी है, तो इसका प्रोडक्ट जो होगा वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। अब बात करते हैं हम एंटी मार्कोनिक ऑफ्स रूल की। किसकी बात करते हैं? एंटी मार्कोनिक ऑफ्स रूल की। तो इसको मैं क्या बोलता हूं, परोक्साइड इफेक्ट भी बोलता हूं, इस वाले रूल को परोक्साइड इफेक्ट या खेरेस इफेक्ट, खेरेस इफेक्ट। ठीक है, ये दोनों नाम भी इसी के लिए लिए जाते हैं। तो देखिए होता क्या है, यहां अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी। कैसी एल्कीन होगी? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ओके, प्लस इस पर भी एच एक्स का ही ट्रीटमेंट कराया जाता है, लेकिन यहाँ चेंज किसका होता है, यहाँ परोक्साइड की प्रेजेंस होती है, परोक्साइड लाइक H2O2। ठीक है, देखिए H2O2 क्या होता है, H2O2 बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लीचिंग एजेंट होता है। क्या होता है? ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट का काम ये किस किस में करते हैं हम, हेयर, हेयर वगैरह के लिए, और जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम बहुत अच्छा किया जाता है। तो इस वाले हम प्रोडक्ट की अब बात करेंगे होता क्या है। तो देखिए अनसिमेट्रिकल एल्कीन मैंने ले लिया, मान लीजिए ये वाला ही एल्कीन मैंने सेम ले लिया, CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन। ठीक है, अगर मैं यहाँ HBr का ही अटैचमेंट करा रहा हूं तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा मुझे। तो देखिए होता क्या है ये समझिए, अब अगर जब परोक्साइड आ गया, परोक्साइड ब्लीच कर रहा है मतलब कलर चेंज कर देता है बालों का, तब हम चेंज बालों का ब्लीचिंग कराते हैं तो कलर वगैरह थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। तो परोक्साइड क्या करता है, जो ये HBr है ना, इस पर इफेक्ट डालता है और क्या कर देता है, इनका ब्रेन वॉश कर देता है। क्या कर देता है? ब्रेन वॉश कर देता है, एक तरीके से ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। ठीक है, ब्रेन वॉश कर देगा तो एच क्या कहेगा, अगर इसका ब्रेन वॉश हो गया तो ये अपने कदमों पर नहीं चलेगा, अपने ग्रुप में नहीं जाएगा। क्या कहेगा? मुझे अपने ग्रुप में जाना ही नहीं है। अगर मुझे अपने ग्रुप में नहीं जाना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव पार्ट था, अगर एच अब क्या कहेगा, ब्रेन वॉश होते ही मुझे अपने ग्रुप में नहीं जाना, मुझे अपने ग्रुप में नहीं जाना, तो ग्रुप वाला कार्बन तो ये रहा, जब ग्रुप वाले कार्बन पर ये नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, दूसरे कार्बन पर। एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन वन ये रहा और टू, तो टू पर इसका ग्रुप है, टू पर जाएगा नहीं, अब कहां जाएगा, वन पे। तो H कहां अटैच हो जाएगा, वन पे। तो ये देखिए CH3 में डायरेक्ट बता दे रहा हूं, ये वाला हाइड्रोजन पहले वाला, ये हाइड्रोजन अब जुड़ गया, ये CH ये दो पहले से थे, अब दूसरे वाले कार्बन पर ब्रोमीन ये हो जाएगा। ये जो रिएक्शन होती है, अगर कोई आपसे पूछ ले कौन से मैकेनिज्म से जाती है, तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाती है। कौन सी मैकेनिज्म से? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। जो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाता है, जबकि मार्कोनिक फ्री रेडिकल से नहीं जाता है। तो ये आपके बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ इसने देखिए मार्कोनिक ऑफ, जो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल था, इन्होंने यही बोला था कि जो मेरा नेगेटिव पार्ट है, मतलब Br नेगेटिव, मतलब नेगेटिव पार्ट है, वहां अटैच होगा जहां नेगेटिव पार्ट वहां अटैच होगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, मोर है। बस उल्टा हो गया था, पुराने वाले मार्कोनिक ऑफ का उल्टा हो गया था, तो यही चीज यहां हो जाएगी। ठीक है, अब मैं बात किसकी करूंगा एक एग्जांपल की। तो एक एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, यहां एक हाइड्रोजन और यहां एक यहां दूसरा कोई देखते हैं जिसमें कि हम अच्छी तरह जनरेट कर सकें। ठीक है, CH3 और यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन। ठीक है, अगर मैं इस पर HBr और परोक्साइड की प्रेजेंस में डालता हूं, क्या डालता हूं, परोक्साइड की प्रेजेंस में, तो होगा क्या, देखिए HBr परोक्साइड आते ही HBr क्या क्या हो चुका होगा, ब्रेन वॉश हो चुका होगा। ये एक तरीके से याद करने की टेक्निक है,
मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है ब्रेन वॉश, लेकिन ये ब्रेन वॉश जैसे ही हो जाएगा तो एच बी आर में एच पॉजिटिव वाला एच क्या कहेगा, मैं अपने ग्रुप में नहीं जाऊंगा, मैं अपने ग्रुप से अलग जाऊंगा। तो ग्रुप से जैसे ही अलग जाएगा तो कहां लगेगा, सी, सिंगल बॉन्ड सी। तो देखिए ये वन था, ये टू था, ठीक है। तो अब वन वाले पे तो जाएगा नहीं क्योंकि वन पे उसका ग्रुप है, तो टू पे हाइड्रोजन लग जाएगा, यहां सी एच थ्री, ये सी एच थ्री, ये दो हाइड्रोजन पहले से थे और यहां अब क्या लग जाएगा, ब्रोमीन, ठीक है। तो ये वाला हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया, क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट हो गया। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि कौन सा पार्ट अच्छा लगा, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ही बताइएगा, हम आप उसका निदान जरूर करेंगे। और प्लीज शेयर करिए हमारी वीडियो को, और अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।